क्वेश्चन नंबर वन, फंक्शन गिवन है e raised to power under root x plus 1, डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें फंक्शन डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसकी नोटेशन है। राइट साइड से अप्लाई कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स प्लस वन। चले हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर एक्स। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखिए दोबारा से डी ओवर डी एक्स, एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है ई रेज टू पावर एक्स, और x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर x आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले, उसके बाद विदाउट एक्सपोनेंशियल पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर ये देखिए d ओवर डी एक्स अंडर रूट x प्लस 1, तो e रेज टू पावर अंडर रूट x प्लस 1। हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते थे, 1/2 लिख के अंडर रूट एक्स डाल देते हैं। अब हम जजर के अलावा जो भी एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव आ जाता है 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन गिवन है एक्स रेज टू पावर 3 ई रेज टू पावर 1/x, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड से, d ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स पर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, राइट साइड से भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज टू पावर 1/x। तो एफ ऑफ एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है f डैश ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस है, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। जब दो फंक्शन जरब हो रहे होते हैं तो तब हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना होता है। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन लगाते हैं ये सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स रेज टू पावर 3, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हम जानते हैं, यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो पहले हम एक्सपोनेंशियल का लेते हैं फिर हम इसकी पावर का लेते हैं, तो पावर का डेरिवेटिव यहाँ पर x है तो x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो वही आ जाएगा, फिर हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि 1/x, इसका दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं और प्लस यहाँ पर e रेज टू पावर 1/x एज इट इज, और यहाँ पर हम पावर फार्मूला लगाएंगे। तो पावर फार्मूला क्या होता है, पावर शुरू में और पावर में से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। विदाउट पावर x का डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट में तो वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो f प्राइम ऑफ x क्या बन जाता है मेरे पास, ये देखें x रेज टू पावर 3 डॉट e रेज टू पावर 1/x, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 1/x का, तो रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो मैं इस पावर को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये पावर बन जाती है -1, और प्लस यहाँ पर e रेज टू पावर 1/x इंटू 3x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि f प्राइम ऑफ x बराबर आ जाता है x रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर 1/x। यहाँ पर पावर फार्मूला लगा लेते हैं, पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस करूँगा तो ये पावर बन जाएगी -2, और प्लस चलें इस 3x स्क्वायर को स्टार्ट में लिख लेता हूँ और डॉट e रेज टू पावर 1/x, ठीक है। ये माइनस वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर 1/x, और ये जो मेरे पास है ये नेगेटिव पावर है, इसको मैं डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट कर दूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, प्लस
ये आ गया 3x का स्क्वायर डॉट e रेस टू पावर 1 बाई x। अब यहाँ पे देखें कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों के बेसिस जो है ना वो सेम है। जब बेसिस सेम होते हैं पावर इंटरचेंज हो सकती हैं, तो ये 2 पावर यहाँ पे 3 की तरफ चली जाएगी, यानी कि 3 में से 2 को माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा e रेस टू पावर 1 बाई x प्लस आ जाएगा 3x स्क्वायर डॉट e रेस टू पावर 1 बाई x। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बन जाता है, नेक्स्ट स्टेप f प्राइम ऑफ x इक्वल आ जाता है माइनस x e रेस टू पावर 1 बाई x प्लस 3x स्क्वायर e रेस टू पावर 1 बाई x। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से x e रेस टू पावर 1 बाई x कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ से ये पूरा फैक्टर कॉमन आ गया, तो बाकी माइनस 1 रह गया और यहाँ से 3x आ गया। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x e रेस टू पावर 1 बाई x, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में लिख लेता हूँ। तो फंक्शन को हमने मुकम्मल तौर पर डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन गिवन है e रेस टू पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, इसलिए हम x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, d ओवर dx f ऑफ x पर भी, राइट साइड से भी d ओवर dx e रेस टू पावर x डॉट इंटू 1 प्लस log ऑफ x। तो यहाँ पे देखें f ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा इसकी नोटेशन होती है f डैश ऑफ x। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो तब हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस का साइन लगाते हैं, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाता है मेरे पास, ठीक है, e रेस टू पावर x एज इट इज। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0 और log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें हम जानते हैं कि log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई x प्लस ये फंक्शन एज इट इज 1 प्लस log ऑफ x। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यहाँ लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल बराबर होता है e पावर x के, ठीक है। तो तब हमारे पास f प्राइम ऑफ x किसके बराबर आ जाता है, e रेज टू पावर x 1 बाई x और प्लस आ जाता है ये 1 प्लस ln ऑफ x और इन टू आ जाता है e रेज टू पावर x। तो यहाँ से हमारे पास e रेस टू पावर x कॉमन फैक्टर है, तो f प्राइम ऑफ x बन जाएगा e रेस टू पावर x को कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा 1 प्लस x प्लस 1 प्लस log ऑफ x। तो हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन गिवन है e रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर माइनस x प्लस 1, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलें डेरिवेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड से d ओवर dx, राइट साइड से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं d ओवर dx e रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर माइनस x और ये 1 पावर के अंदर नहीं है, इसको मतलब नीचे लिखना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर इसकी नोटेशन होती है डेरिवेटिव के अंदर, इसको लिख देते हैं f प्राइम ऑफ x। तो दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो क्वेश्चन फार्मूला होता है। क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है कि ये जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर के अंदर लोअर फंक्शन का यहाँ पर हम ले लेते हैं स्क्वायर, फिर ये लोअर फंक्शन एज इट इज अपर फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस का साइन लगाते हैं ये अपर फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ले लिया जाता है लोअर फंक्शन का e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो f प्राइम ऑफ x किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है ये फंक्शन एज इट इज e रेस टू पावर माइनस x प्लस 1, तो एज इट इज। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का
डेरिवेटिव भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल डाल दिया माइनस, तो यहाँ पर भी देखें कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ही होगा। e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी माइनस एक्स होगा, लेकिन हम पावर का दोबारा भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक्स का अगर तो यहाँ पर सिर्फ एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है वन, तो वन टाइम मल्टीप्लाई करने से ये ई की पावर एक्स ही रहता है, लेकिन यहाँ पर पावर आ गई है माइनस वन, तो फिर माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस वन, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस वन भी डालना होगा। यहाँ पे चलिए ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं माइनस वन, और वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय ए रेस्ट टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बन जाता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा। देखें मैं इस ई पावर एक्स को इससे ज़रब कर देता हूँ, ई रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर एक्स डॉट ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और वन टाइम मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से मैं इस एक्सपोनेंशियल को भी अंदर ज़रब कर देता हूँ, ये माइनस वन इस माइनस वन से ज़रब होगा तो प्लस का बन जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स डॉट ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास यहाँ पे देखें कि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये एक पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, ई की पावर हो जाएगी एक्स माइनस एक्स और प्लस ई रेस टू पावर एक्स, यहाँ पे भी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, ई रेस टू पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास ये जो पावर्स हैं, ये पावर कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाता है, यहाँ पे ई की पावर रह जाती है ज़ीरो प्लस ई रेस टू पावर एक्स और प्लस आ जाएगा ई रेस टू पावर यहाँ पर भी ज़ीरो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का उसके। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो हो, कोई भी यहाँ पे वैल्यू और उसकी पावर डिग्री यानी ज़ीरो के अंदर हो तो वो वन के बराबर होता है। यहाँ पर ई की पावर एक्स एज इट इज़, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। तो हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है वन प्लस वन आ जाएगा ये टू प्लस ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन गिवन है लॉग ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर नेगेटिव एक्स, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ से डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो देखें ये एफ ऑफ एक्स पर अगर डेरिवेटिव लें तो ये शक्ल बन जाती है एफ प्राइम ऑफ एक्स की। तो यहाँ पर ये जो इसका मौजूद है ये वाला, ये सारा का सारा इस लॉग फंक्शन का एंगल है। हम जानते हैं कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। पहले हम एल एन का डेरिवेटिव लेते हैं, लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पर एल एन नेचुरल लॉग होता है, और फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं विदाउट लॉग, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, तो वन टाइम मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आ जाता है वन बाई एक्स। तो यहाँ पे इसका एंगल जो है ना वो एक्स नहीं है, एक्स के अलावा है, इसलिए हम इसका दोबारा से भी डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले एल एन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आ जाएगा वन ओवर ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। अब अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x, ठीक है, तो f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, वन अपॉन e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं ये लिख देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वही होता है, पहले हम e का डेरिवेटिव लेते हैं फिर x का, तो x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, अगर x के अलावा कोई और नंबर है तो हम उसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल आ गया,
लेकिन विदाउट एक्सपेंशन यहाँ पे देखें तो पावर आ रही है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बन जाता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाता है, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स को वन टाइम मल्टीप्लाई करें, ये इसको एज इट लिख लेते हैं, ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डॉट ई रेस टू पावर एक्स, ये माइनस जब ये वाला जो माइनस है ये प्लस से जरा होगा तो ये बन जाएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है ई रेस टू पावर एक्स मनफी ई रेस टू पावर नेगेटिव एक्स, वन टाइम मैंने इस पूरे फैक्टर को ये वन टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइडेड बाई है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, ये पॉजिटिव ई रेस टू पावर एक्स को एज इट रहने देता हूँ, ये जो नेगेटिव है इसको मैं कुछ इस तरह इस अंदाज से लिख लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर भी ये एज इट इज रह जाएगा, और इसको मतलब मैं पॉजिटिव बना सकता हूँ तो वन ओवर ई रेस टू पावर एक्स। अब मैं एलसीएम अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू पावर एक्स इस ई रेस टू पावर एक्स से जरब होगा तो ई रेस टू पावर आ जाएगा टू एक्स, और यहाँ पे माइनस वन ये डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है ई रेस टू पावर एक्स, तो ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई रेस टू पावर टू एक्स और प्लस का आ जाएगा वन। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो तब हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा ये वाला फैक्टर बच जाएगा ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन, सॉरी ये माइनस वन यहाँ पावर में नहीं है, ये अलहदा से पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, और इसी तरीके से ये वाला फैक्टर बच जाएगा ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस